हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉर्मल एकेडमी पे आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे काकी कहानी का सारांश, लेखक सियाराम शरण गुप्त। श्यामू नाम का एक बालक है, वह अबोध है। उसकी माँ का देहांत हो गया है, परंतु उसे मृत्यु का अर्थ नहीं मालूम है। घर के सारे लोग बिलाप कर रहे हैं, उसकी माँ मृत्युशैया पर लेटी हुई है। जब उसकी माँ को लोग शमशान घाट ले जा रहे हैं, तब वह बहुत परेशान होता है। वह अपनी माँ के शव पर गिर जाता है और लोगों को अपनी माँ को ले जाने से रोकने का असफल प्रयास करता है। एक दासी उसे संभालती है। उसकी हालत ऐसी हो गई थी कि वह अपनी माँ के अग्नि संस्कार में भी न जा सका। गुरजनों ने उसे समझाया कि उसकी माँ, जिसे वह काकी कहता था, वह कहीं और नहीं उसके मामा के घर गई है। लेकिन कुछ ही दिनों में उसे पता चल गया कि उसकी काकी और कहीं नहीं ऊपर राम के यहाँ गई है। दिन बीतते गए, लेकिन काकी के लिए उसका मन शोकाकुल रहता था। वह प्रायः एकांत में बैठकर आकाश की ओर देखा करता था। एक दिन की बात है, वह आकाश की ओर चुपचाप देख रहा था कि उसे आकाश में कुछ पतंग उड़ते दिखाई दिए। कुछ सोचकर उसका बाल मन खुशी से झूम उठा। वह दौड़कर अपने पिता के पास गया और बोला, काका मुझे पतंग मंगा दो, अभी मंगा दो। पत्नी की मृत्यु के बाद उसके पिता विश्वेश्वर भी अनमने से रहते थे। अच्छा मंगा दूंगा, ऐसा कहकर वे कहीं चले गए। वे बच्चे की भावना को समझ नहीं सके। श्यामू पतंग के लिए उत्कंठित था। उसने देखा कि खूंटी पर पिताजी की कोट टंगी है। उसने चुपके से वहां से पैसे लेकर सुखिया दासी के लड़के भोला से पतंग डोर मंगा लिया। उसने भोला से अपने मन का रहस्य बताया कि वह पतंग ऊपर राम के यहाँ भेजूंगा, इसको पकड़कर काकी नीचे उतरेगी। मैं लिखना नहीं जानता हूँ, नहीं तो इस पर काकी का नाम भी लिख देता। भोला श्यामू से अधिक समझदार था। उसने कहा कि सब बातें तो ठीक है, लेकिन यह डोर बड़ी पतली है, इसे पकड़कर काकी उतर नहीं सकती, डोर टूट जाएगी। यदि मोटी रस्सी हो तो बात बन जाए। श्यामू रात भर चिंता में सो रहा ना सका। अब मोटी रस्सी कहाँ से आए? उसने फिर काका के कोट से पैसा निकाल कर दो मोटी रस्सियाँ मंगवाया। उसने जवाहर भैया से एक कागज़ पर काकी भी लिखवा लिया। अब भोला और श्यामू एक अंधेरी कोठरी में बैठकर पतंग में रस्सी बांधने का काम कर रहे थे कि अकस्मात ही विश्वेश्वर इस शुभ कार्य में विघ्न की तरह आप पहुँचे और दोनों को डांट कर पूछा, तुमने कोट से रुपए निकाले हैं। भोला डर कर बोल दिया कि श्यामू ने पतंग और रस्सी के लिए रुपए निकाले हैं। विश्वेश्वर ने श्यामू को दो तमाचे जड़ दिए और कहा कि चोरी सीख कर जेल जाओगे। उन्होंने पतंग फाड़ दिए। वह फिर पूछा, रस्सियों का क्या होगा? भोला ने कहा, श्यामू कहते हैं कि पतंग के सहारे काकी को राम के यहाँ से नीचे उतारेंगे। उसने पतंग की ओर देखा जिस पर लिखा था काकी। विश्वेश्वर हतबुद्ध होकर वहीं खड़े रह गए। काकी कहानी का सारांश समाप्त हुआ। इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।